हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सफर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त कमल और आज मैं आपको लेकर चलूँगा दोस्तों भिलाई का गणेश पंडाल, जहाँ दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े गणेश पंडाल बने हुए हैं और बहुत ही भव्य रूप से वहाँ सजा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं भिलाई सेक्टर 2 के गणेश पंडाल में, जहाँ भगवान गणेश जी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति स्थापित की गई है। श्री गणेश चतुर्थी की मंगलमय शुभकामनाएं। ढोल ताल पहाड़ी पर स्थित गणेश जी की प्रतिमा बहुत ही खूबसूरत सा सजा हुआ है यहाँ। गणेश पंडाल भिलाई बहुत ही खास तरह से सजाया गया है भिलाई का गणेश पंडाल, और यहाँ बहुत सारे दुकानें भी लगे हुए हैं और यहाँ मेला भी लगा हुआ है। बट यहाँ पानी गिर गया है इसलिए यहाँ का मज़ा थोड़ा सा चौपट हो गया है। तो भिलाई सेक्टर 2 में यहाँ मेला भी लगा हुआ है बट यहाँ पानी गिरने के कारण थोड़ा सा मेले का जो नज़ारा है वो थोड़ा चौपट हो गया है। बच्चे लोगों के लिए वाटर बोटिंग भी बना हुआ है, बहुत खूबसूरत सा जो लग रहा है जो, और बच्चे लोगों के लिए सामने ट्रेन भी लगा हुआ है और झूला भी बहुत एक से लगा हुआ है। अभी हम आ चुके हैं भिलाई सेक्टर 1 का गणेश पंडाल। चुके हैं दोस्तों सेक्टर 10 का गणेश पंडाल, जो बहुत ही खूबसूरत सा सजा हुआ है, आप देख सकते हैं। सांस्कृतिक मंच दुनिया मंडप नगर पालिका निगम भिलाई। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ बहुत ही खूबसूरत से सजा हुआ है भिलाई सेक्टर 10 का गणेश पंडाल। भगवान गणेश जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें।
अभी हम आ चुके हैं दोस्तों मॉडल टाउन का गणेश पंडाल, जहां बहुत ही भव्य गणेश मूर्ति की स्थापित की गई है। अभी हम आ चुके हैं चौहान टाउन, जहां बहुत ही खूबसूरत सा भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। बिल्कुल चौहान टाउन। तो अभी हम आ चुके हैं चौहान टाउन के पास, और यहां बहुत ही खूबसूरत सा भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की गई है और बहुत ही खूबसूरत सा सजा हुआ है, आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, और आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एवं शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर।